यूपी में 2022 चुनाव के लिए सभी राजनीतिक जो सेनाएं हैं उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी और यूपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। यूपी के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जो हैं वो खास बातचीत की है हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे से। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव हैं। सर अखिलेश जी, विकास की बात बीजेपी कर रही है, चुनाव आ गया है, आखिरकार समाजवादी पार्टी नंबर वन कैसे आई? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। जो वादे किए थे समाजवादी पार्टी के खिलाफ जब चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र तैयार किया था, आज संकल्प पत्र भुला दिया, संकल्प पत्र को कूड़ेदान में फेंक दिया। किसानों की आय दोगुनी बढ़ाने का वादा किया था, बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था और लगातार इन्वेस्टमेंट ला करके उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे वो व्यवस्था की थी, लेकिन सब कुछ बंद किया। आज तक कोई नया फैसला सरकार नहीं ले पाई और पुराने काम भी सरकार ने रोक दिए। महंगाई अपने चरम पे जिसकी आप बात कर रहे हैं, विकास कार्य दिख नहीं रहा, खासतौर पर आप कन्नौज से, जिस तरह कन्नौज जो विकास कार्य आपने किए। कन्नौज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास रुका है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है और जिस तरह की बदहाली कोरोना में जनता ने देखी है वो भुला ही नहीं जा सकती। लोगों ने ऑक्सीजन का अपने पास इंतजाम किया, दवाइयां ब्लैक में मिली, जो साधारण इलाज था वो भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो पाया। ब्राह्मणों को लेकर खासतौर पर राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लोगों को जोड़ रही है, सभी वर्गों को साथ लेकर। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव को सुना जा सकता है कि महंगाई अपने चरम पे है और जिस तरह से चीजें सरकार कर रही है वो जनता देख रही है, समाजवादी पार्टी सभी लोगों के साथ खड़ी है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज दिल्ली। और